नमस्कार मुझे आपण पिठळ भजा करके देखेबी आपण माने भाबुथिबे पिठळटा कोण पिठळ साधारणतः देसी आळु बा खंबा आळु भळे देखिबा पई किंतु स्वाद ताठारो टिक्के अलगा देखंतु पिठळ देखिबा पई ए भळे देसी आळु रो चोपा जेमिति टिक्के गाढा थाय एटा किंतु टिक्के हल्का रंगर ओडिसा रो पहाडिया अंचल रे हेउथुबा हाट मानकरे ए भळे जिंस सब देखिबा को मिले एवं सहजरे मध्य मिली जाए देसी आलू रे में जेमिति चेकी भजा पिठो भजा बा बेसर देखी भजा करी थाओ पिठळ को मध्य ठीक सेई भळे ही करा जाए मु किंतु आज आपण मन को बेसी किछि मसाला न देकि पूरा साधा सीधा भजा करके देखेबी सेति पई मु ताको प्रथमे धोई देई छी तापर चोपा छोड़े कि एमिति काटि नै छी एबे इथिरे स्वाद अनुसार लुण दे देली आपण माने जदि बेसर दे याको करबा को चाहुतिबे तबे सोरिष रसुण कंचा लंका को बाटिकि मध्य एथिरे दे परिबे अल्प हळदी गुंड मध्य देछि आपण माने इथि लंका गुंड रो व्यवहार मध्य करि परिबे वर्तमान सब जिंस को भलो भाबरे मिसै नबा भाजिबा पई मु गोटे पैन ते गरम कर नेली एबे इथिरे गोटे चम्मच तेल दे देली तेल भल भाव गरम परे पूर्वर गोल रखी पिठल को आम एदेब मुझे फुटण करने कि भी देनी आपण मैंने चाहिए तेल गरम परे अल्प जीरा एवं किसी भूसंग पत्र पकई पारे जो थी यार बास्ना आहरी बढ़िया आसब गैस को मीडियम फ्लेम रखिकी प्रायत तीन रु चार मिनिट या भल भाव भाजी नवा गोटे पट हो गले उल्टे दबा आर पट मध्य से भले भाजी नबा एटा हबा पे बेसी समय लगे नी बहुत अल्प समय रे हेई जाए दुई पख भल भाव रे सुनेली रंग एवं टिके कुडकुडिया हेला पर्यंत आमे याको भाजी नबा जदियो ए पिठळ भजा केवल लुण एवं हळदी को गोळेकी करा हेई छि तथापि एटा खाइबा को भारी स्वादिया लगे भल भाव भाजी जाइए शेष में भजा जीरा लंका गुंड किसी देद बर्तमान पिठल भजा या खाली खावाक बढ़िया लगे।